वो अपना साइकिल लेके जंगल की तरफ चलने लगी। उसे कोई आइडिया नहीं था कि कोई उसको फॉलो कर रहा है उस डीप फॉरेस्ट में जहाँ आसपास कोई नहीं है। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो आदमी बहुत अजीब था, क्योंकि उस आदमी ने एक जंपसूट पहना था, और वो भी कोई वैसा वैसा जंपसूट नहीं, उस तरह की जंपसूट नेदरलैंड्स के साइकियाट्रिक पेशेंट्स को पहनाया जाता है। पच्चीस साल की एनी फेवर अपने फ्री टाइम में एडवेंचरस एक्टिविटीज करना पसंद करती थी, स्पेशली अपने बॉयफ्रेंड के साथ जंगलों में घूमना। अनफॉर्चुनेटली सारे एडवेंचर वैसे नहीं होते जैसे आप सोचते हो। अगर आपको डीप फॉरेस्ट में हाइकिंग पसंद है तो ये कहानी सुनने के बाद नेक्स्ट टाइम जब भी आप हाइकिंग पे जाओगे ये जरूर चेक करोगे कि कोई आपको फॉलो तो नहीं कर रहा है। 29 सितंबर 2017 एनी अपना बाइसाइकिल लेके का प्लान बनाती है, लेकिन उस दिन उसका बॉयफ्रेंड काम में बिजी था तो उसे ज्वाइन नहीं कर पाया। बारिश भी आने वाली थी तो एनी अकेले ही साइकिल और रेनकोट लेके निकल पड़ी। फॉरेस्ट की तरफ जाते हुए उसने ऑन द वे एक छोटा सा गांव डेन डोल्डर था वहाँ रुका, कुछ स्नैक्स खाया और अपनी जर्नी शुरू करते ही अचानक बहुत जोर से बारिश आ गई। अब वो सोच में पड़ गई कि क्या उसे फॉरेस्ट की तरफ जाना चाहिए या फिर वो घर वापस चली जाएगी। उसने अपना फोन लिया, एक सेल्फी लेके अपने बॉयफ्रेंड को भेजा ये दिखाने के लिए कि उसने क्या मिस किया। उसकी जैकेट, शॉक्स, बाल सब कुछ गीला हो गया था। बारिश का मजा लेने लगी वो, अपना फोन पॉकेट में रख दिया। वो टाइम था 6:50 PM। अनफॉर्चुनेटली यही उसका आखिरी तस्वीर जब वो जिंदा थी। इसके बाद वो अपना साइकिल लेके जंगल की तरफ चलने लगी। उसे कोई आइडिया नहीं था कि कोई उसको फॉलो कर रहा है उस डीप फॉरेस्ट में जहाँ आसपास कोई नहीं है। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो आदमी बहुत अजीब था, क्योंकि उस आदमी ने एक जंपसूट पहना था, और वो भी कोई वैसा वैसा जंपसूट नहीं, उस तरह की जंपसूट नेदरलैंड्स के साइकियाट्रिक पेशेंट्स को पहनाया जाता है जिनका ट्रीटमेंट चल रही है। एनी कुछ समझ पाती उससे पहले ही उस आदमी ने उसका सेल फोन ले लिया ताकि वो किसी से मदद ना मांग सके। उसने फोन को तोड़ दिया, एनी के मुंह ढक के उसे जंगल के अंदर ले गया, उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया। एनी दर्द से तड़प रही थी तभी उसे सुनाई दिया कि उधर से कोई जा रहा था मदद के लिए। उसने अपना आवाज निकालते ही उस आदमी ने चाकू से उसका गला काट दिया। जो लड़की थोड़ी देर पहले ही बारिश में इतनी खुश नजर आ रही थी वो मर चुकी है। उसके किलर ने उसकी बॉडी को जंगल में ही दफना दिया और वहाँ से चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग वो फिर वापस आया कार लेके, उसकी बॉडी निकाल के गाड़ी में डाला और फिर 35 मिनट्स ड्राइव करके अपना होम टाउन पहुँचा। एनी की बॉडी को क्लोरीन से क्लीन किया और घर के पीछे उसके बॉडी को दफना दिया। एविडेंस मिटाने के लिए उसने एनी के कोट, बाइसाइकिल और बैकपैक को 3 अलग अलग जगह फेंक दिया। एनी जब घर नहीं पहुंची तब उसके फैमिली बहुत ज्यादा कंसर्न्ड हो गए और इमीडिएटली मिसिंग रिपोर्ट फाइल किया। दिन बीतते गए, एनी वापस नहीं आई। उसके बॉयफ्रेंड को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि मिसिंग होने से कुछ ही घंटे पहले ही उसने वो सेल्फी भेजी थी। कुछ तो गलत हुआ होगा उसके साथ। 3 अक्टूबर इन्वेस्टिगेटर्स को उसकी कोट मिली, 5 अक्टूबर उसकी साइकिल और फाइनली 6 अक्टूबर को उसकी बैकपैक। ये तो क्लियर हो गया कि एनी के साथ कुछ बहुत बहुत गलत हुआ है। एनी की कोट डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजा गया, उन्हें एक मैच मिला, 27 साल की माइकल पैनविस। एनी की मौत के टाइम वो डेन डोल्डर विलेज की साइकियाट्रिक फैसिलिटी के पेशेंट था जहां उसे ड्रग एडिक्शन के लिए ट्रीट किया जा रहा था। मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर भी, जिसने 2010 में 2 टीनेजर लड़कियों को ब्रूटली असॉल्ट किया था और उसके लिए उसे 11 साल की जेल भी हुई थी। साइकियाट्रिक फैसिलिटी के लोगों को पता नहीं था कि वो एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर है और ये भी आइडिया नहीं था कि वो ये सब भी कर सकता है। 9 मार्च माइकल को एनी के मर्डर के चार्ज में अरेस्ट किया गया। कुछ दिनों बाद ही माइकल ने ओपनली कॉन्फेस किया कि उसने कैसे एनी को ब्रूटली असॉल्ट किया था और फिर मार डाला। ट्रायल के दौरान उसका यही कहना था कि वो एनी को मारना नहीं चाहता था।
उसके पास वो शार्प ऑब्जेक्ट्स थे। उसने एनी का मर्डर प्री प्लान तो नहीं किया था, उसने इसलिए उसे मारा क्योंकि वो मदद के लिए चीखने लगी थी। माइकल को 28 साल की सजा सुनाई गई। एनी के फ्रेंड्स और फैमिली के पास सिर्फ उसकी मेमोरी है और वो आखिरी फोटो जो उसने लिया था उस दिन।